हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ IRCTC की मदद से कैसे पता कर सकते हैं कौन सा ट्रेन अभी कहाँ पे चल रही है, कितने बच्चे कितनी मिनट में ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे बचे, कितने बच्चे कितनी मिनट में प्लेटफॉर्म से ये ट्रेन गुजरेगी। ये सारी जानकारी अपने मोबाइल फ़ोन से आप ले सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन टिकट या ऑफलाइन बने आप उसका स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर ये ट्रेन कितने बजे कितने बजे जाएगी, आपको ये जानकारी वहाँ पर नहीं लेना, आप अपने मोबाइल फ़ोन से ये जानकारी आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। प्ले स्टोर को जैसे ही ओपन करेंगे इसमें आपको टाइप करना है माई ट्रेन, माई ट्रेन लिखते आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे देखिए यहाँ पे फर्स्ट में इसका लिंक है, यहाँ बहुत सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ ट्रेन भी लिख कर सर्च कर सकते हैं, ट्रेन स्टेटस भी लिख कर सर्च करते हैं, पूरा चीज़ आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट में इसका लिंक है, देखिए यहाँ पर पहले से मैंने इसको डाउनलोड कर रखा। चलिए यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन जैसे ही करेंगे देखिए आपके पास इस तरह का यूज़र इंटरफेस खुल कर आपके पास यहाँ पर शो करेगा। देखिए यहाँ पर आपको PNR का स्टेटस आ गया। अगर आपने टिकट ऑनलाइन ऑफलाइन बने हैं तो यहाँ पे इसका चेक कर सकते हैं। इसमें लिखा है 10 अंक का नंबर लिखा है, वो नंबर डाल कर आप यहाँ पे इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे डेट तारीख आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ पे देखते हैं देखिए अगर मैं मुझे जाना है, देखिए यहाँ पर लोकल स्टेशन का भी चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कहीं आपको दिल्ली से पटना जाना है, पटना से मुंबई जाना है, ये सब भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जैसे आपको जाना है दिल्ली से मुंबई जाना, आपको ऊपर में दिल्ली लिखना है, नीचे में आपको मुंबई लिखना। अब यहाँ पे आपको फाइंड ट्रेंस पे क्लिक करना। देखिए यहाँ पे पूरी आपके पास लिस्ट खुल कर आ जाएगी। यहाँ पे देखते कितना ट्रेन खुला है सब आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, क्योंकि अभी जो कि कोरोना वायरस का चल रहा है, आपको यहाँ पर इतना ट्रेन आपको रद्द कर दिया गया, कमे ट्रेन यहाँ पर आपको चालू करा। देखिए यहाँ पर एक ट्रेन, ये देखिए 5 बजे ट्रेन यहाँ पर आएगी, 8:40 ये ट्रेन यहाँ से खुलेगी। देखिए यहाँ से न्यू दिल्ली से मुंबई के लिए इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे, देखिए ये ट्रेन दिल्ली से मुंबई पहुँच गई। देखिए यहाँ पे आपको जब दिल्ली से शुरू होगा तो यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ पे ये हरा वाला ये वाला ट्रेन का ऑप्शन आपको ऊपर में आएगा, क्योंकि ये ट्रेन ये मुंबई पहुँच चुकी है। देखिए यहाँ पे 0 को हम दिखला रहे हैं। यहाँ पर देखिए दिल्ली से मुंबई कितना 1354 किलोमीटर है, यहाँ पर 1384 किलोमीटर यहाँ पर दिल्ली से मुंबई। कौन कौन स्टेशन यहाँ पे आपको सब शो कर देगा, देखिए यहाँ पे सब स्टेशन आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। कोटा जंक्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ये बड़ा बड़ा स्टेशन है, इसी स्टेशन पे ट्रेन यहाँ पे स्टॉपिंग लेती है। ये ट्रेन तो यहाँ पे पहुँच गई, अगर आपको दूसरा देखना तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी और भी ट्रेन आपको यहाँ पर शो कर जाएगी। जो जो ट्रेन यहाँ पर जाएगी सब ट्रेन आपको यहाँ पर शो कर जाएगी। देखिए यहाँ पे एक है 11:25 में 5 बजे ये ट्रेन खुलेगी, इसकी भी डिटेल्स यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये ट्रेन अभी नहीं खुला है, ये ट्रेन अभी न्यू दिल्ली में स्टेशन पे रुका हुआ, ट्रेन अभी नहीं खुला है। जब यहाँ पे पहुँच जाएगी आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। देखिए ये ट्रेन अभी न्यू दिल्ली में खड़ी हुई है, अभी ये ट्रेन अभी खुली नहीं है। देखिए ये ट्रेन यहाँ पर आपको खुलेगी 11:25 में खुलेगी, ये ट्रेन यहाँ से न्यू दिल्ली से खुलेगी, सो आपको यहाँ पर शो कर देगा। अगर देखिए और भी आपको चेक करना है यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर जाना है, जैसे आपको जाना है पटना से दिल्ली जाना है, ऊपर हमें को पटना लिखना है, नीचे दिल्ली लिखना है। चलिए यहाँ से मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे डाल देता हूँ। लिखते आपको सर्च करना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रेन का यहाँ पे लिस्ट आ चुका है। देखिए यहाँ पे एक है 9:30 पे प्लेटफॉर्म पर आएगी, 2:30 पर यह ट्रेन यहाँ से खुल जाएगी। देखिए यहाँ पर बहुत सारा आपको ट्रेन दे दिया, देखिए आपको यहाँ पर 9 यस का ऑप्शन दिया, इसको आपको यस कर देना है। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर इस पर मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, देखिए ये ट्रेन चालू हो गई यहाँ से। देखिए यहाँ पे बहुत सारा प्लेटफॉर्म का यहाँ पे आपको दे दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत प्लेटफॉर्म। अभी देखिए कहाँ पे ये ट्रेन, अभी बरौना में ये ट्रेन, अभी देखिए ये ट्रेन बरौना स्टेशन पे रुकी हुई है ट्रेन। यहाँ पे सब शो कर जाए, जो सा स्टेशन पर आएगा सब यहाँ पे शो कर देगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 200 किलोमीटर, यहाँ पर यहाँ 204 किलोमीटर, यहाँ से इतने किलोमीटर में इतना, यहाँ सब आपको किलोमीटर आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे देगा, सब कुछ आप यहाँ पे आपको फ्रेंड्स शो कर जाएगा। तो ये सब चीज़ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आपको टाइम ऊपर में दे देगा, यहाँ पे सीट आपको शो कर जाएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। देखिए ये यहाँ से आप लोकल स्टेशन का भी चेक कर सकते हैं, ये आपको बड़ा बड़ा जंक्शन का भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, सब कुछ का यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर है कटहर जंक्शन, ये बड़ा जंक्शन है, यहाँ से बहुत सारी ट्रेन खुलती है, हर जगह के लिए ट्रेन खुलती है। जैसे हमको जाना है कटहर से दिल्ली जाना है, हमको यहाँ डालना है कटहर जंक्शन और न्यू दिल्ली ना, आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे देखिए बहुत सारा आपको यहाँ पे ट्रेन शो कर जाएगा, इसको यस कर देना है, सब ट्रेन आपको यहाँ पे शो कर जाएगा।
जितनी देर में ट्रेन जितने बज के कितने मिनट में चलेगी सो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। देखिए 3:35 में यहाँ पे 3:35 प्लेटफॉर्म पे आएगी, 1:55 में प्लेटफॉर्म से ये खुल जाएगी। इसकी डिटेल्स चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे यह ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है। ट्रेन देखिए सब कुछ यहाँ पे शो कर जाएगी। ट्रेन अभी वहाँ से खुली तो ये ट्रेन अभी मुरादाबाद में यहाँ शो कर जाएगा। देखिए मुरादाबाद या अभी मुरादाबाद में 11:07 पर यह ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुँची है। जितने बजकर जितने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुँचे सब आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। देखिए 21 स्टेशन आपको बाकी है न्यू दिल्ली पहुँचने के लिए, ये मुरादाबाद के बाद न्यू दिल्ली आपके पास यहाँ पे पहुँच जाएगी। देखिए 11:20 हो रहा है, यहाँ पे 11:20 हो रहा है आपको मुरादाबाद से न्यू दिल्ली पहुँचने के लिए। देखिए न्यू दिल्ली पहुँचेगी 2:01 में पहुँचेगी ये ट्रेन यहाँ पे न्यू दिल्ली मुरादाबाद से न्यू दिल्ली पहुँचने के लिए। देखिए 2:01 में यहाँ से पहुँचेगी ये ट्रेन। देखिए इस तरह से आप चेक कर सकते हैं किसी भी ट्रेन का। जैसे आपको जाना है जम्मू टू पटना जाना है, देखिए वहाँ पे जम्मू लिखेंगे नीचे पटना लिखेंगे, इस तरह से आपको यहाँ पे फाइंड ट्रेन पे क्लिक करेंगे आ जाएगा पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे। देखिए हमारे यहाँ पे लोकल स्टेशन का आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा लोकल स्टेशन देखिए जुगबनी से कटिहार है, एक है कटिहार से जुगबनी, वहाँ से आप इतना ट्रेन का चेक कर सकते हैं। देखिए मैं चेक करना चाहता हूँ जुगबनी टू कटिहार से चेक करना चाहता हूँ, यहाँ से चेक कर सकते हैं। लिख दिया कटिहार टू जुगबनी और फाइन ट्रेन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपको यस कर देना है। देखिए सब ट्रेन यहाँ पे खुल जाएगी। देखिए यहाँ पे एक ये ट्रेन यहाँ पे एक 10:40 पे प्लेटफॉर्म पर है, 1:15 पे खुलेगी है। इसका टिकट चार्ज देखिए 175 रुपये स्लीपर है, यहाँ पे स्लीपर 175 रुपये से टिकट का दाम है। जानकारी लेने की देखिए यहाँ पे देखिए ये लास्ट जुगबनी में यह ट्रेन रुकेगी, जुगबनी से कहीं नहीं जाएगा, फिर जुगबनी से यह ट्रेन रिटर्न हो जाती है। देखिए यह ट्रेन अभी कहाँ पे है, देखिए अररिया कोट से यह ट्रेन आगे लिख ली हमारे कटिहार जुगबनी के बीच में। ये स्टेशन पड़ता है कटिहार, हल्दिया पड़ता है, जुगबनी पड़ता है, ये फारबिसगंज पड़ता है, ढोलगज्जा पड़ता है, ये सब इसके बीच में कटिहार जुगबनी के बीच में इतना छोटा छोटा प्लेटफॉर्म पड़ता है इसे। देखिए अभी फारबिसगंज ट्रेन पहुँचने वाली है, अभी अररिया कोट से ये थोड़ा आगे पहुंच गई है, फारबिसगंज पहुंचेगी। देखिए यहाँ पे अररिया कोट ये ट्रेन पहुंची थी 12:10 में, अब ये फारबिसगंज पहुंचेगी ट्रेन 12:45 में, तब ये जुगबनी लास्ट पहुंचेगा 11:58 में पहुंचेगी। यानी कि 12 बजे ये ट्रेन आपको जुगबनी ये ट्रेन पहुंच जाएगी लोकल। देखिए इसका पूरा आपको यहाँ पे कितना किलोमीटर, देखिए आपको देखिए 0 यहाँ पे है, लास्ट यहाँ 166 किलोमीटर है, इतना किलोमीटर यहाँ से जुगबनी से कटे इतना किलोमीटर यहाँ पे आपको शो कर जाएगी। जितने मिनट में ये ट्रेन पहुँचेगी सो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। देखिए कटिहार है 10:40 पहुँची थी, ये 11:35 पहुँचेगी। इस तरह से आप यहाँ से पूरा जानकारी ले सकते हैं ट्रेन की, कौन ट्रेन कहाँ पे चल रही है, किस वक्त आएगी, पूरी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्लीपर आपको दिया हुआ है, देखिए स्लीपर दिया है, एसी दिया है, 2 AC दिया है, 1 AC दिया है, पूरा आपको यहाँ पे सब शो कर जाएगा, जनरल भी दिया है, सब कुछ आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे आपको जाना है यहाँ पे दिल्ली टू जाना है, आपको जम्मू जाना है, दिल्ली टू यहाँ पे जम्मू डालना है, दिल्ली टू जम्मू के लिए जितना ट्रेन रहेगा सब आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। फाइंड ट्रेन्स पे क्लिक करना है, आपको देखिए यस कर देना है यहाँ पे ऊपर में। देखिए जितने भी ट्रेन है न्यू दिल्ली से जम्मू के लिए सब आपको ट्रेन यहाँ पे शो कर जाएगा। एक है 6:06 ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म पर, 12:38 यहाँ से खुल जाएगी प्लेटफॉर्म से। देखिए यहाँ पे ये ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुँचेगी, अभी प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन नहीं पहुँची है। इस तरह से आप किसी भी ट्रेन की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। देखिए इस पर मैंने क्लिक करा, देखिए ये ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुँची है सो आपको शो कर देगा यहाँ पे। इस तरह से आप किसी भी ट्रेन की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं, पूरा ईजी फ्री में, कोई आपको चार्ज यहाँ पर नहीं लगता, फ्री में आप किसी भी ट्रेन की जानकारी ले सकते हैं। इस तरह से आप